हेलो गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। सो बेसिकली मैं पूरा साल पढ़ता पढ़ता कुछ हूं नहीं, एग्जाम के पहले ही पर वर्क के बस पास हो जाता हूं, कभी कभी नहीं भी होता पर मोस्टली हो जाता हूं कैसे तैसे करके। एंड मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कैसे वन डे बिफोर एग्जाम पढ़ के पास हो जाते हैं। तो आई हैव 16 सब्जेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, 16 चैप्टर्स ऐसे पास हूँ मैं। हाँ, 16 सब्जेक्ट्स, 16 चैप्टर्स, जिसको बस शॉर्ट फॉर्म में मैं पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख के वैसे ही कर ले रहा हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 6 या 7 8 बज रहे, एंड कल एग्ज़ाम है, कल इसी समय 8:30 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी बज रहे 8, आई हैव वन डे लेफ्ट, एक दिन बाकी है सिर्फ। एंड कल बंगला एग्ज़ाम है, बंगला जिसको मैं शॉर्ट करके इंग्लिश में लिखता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ कविता या खोता हूँ जो भी पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पे उसका शॉर्ट क्या समराइज़ कर लेता हूँ, उसको करके बस वही पढ़ लेता हूँ, फिर खुद से लिख लेता हूँ एग्ज़ाम पे। तो मोस्टली तो यही करके आता हूँ। एंड ऐसे आप पास हो सकते हो, 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स है सिर्फ, जो 100 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला था, अभी सिर्फ 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, हाफ कर दिया गया कोविड की वजह से जो हुआ था, इसलिए अभी वो हाफ हो गया हमारा, सिर्फ 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें सिर्फ 4 क्रेडिट लेते हैं। सो आउट ऑफ द 16 चैप्टर्स आने वाले 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 या 7 या 8 देगा ऑप्शन, उसमें जो 4 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, पढ़ के एग्ज़ाम के सिर्फ एक दिन पहले पास हो सकते हो इंशाल्लाह। बेसिकली मैं कल भी एक ब्लॉग सुनने वाला हूँ, फिजिकल एग्ज़ाम है आज तो नहीं, आज डेट पर एग्ज़ाम है, और एक दिन में पढ़ाई करके हम पास हो जाएंगे, होपफुली पास हो जाओ, नहीं तो जो बेइज्जती होने वाली है ना, बेइज्जती और गर्मी भाई, जितना फील करो उतना होता है। और कल एग्ज़ाम है इंशाल्लाह, एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम है, नर्वसनेस तो नहीं है पर थोड़ा बोर्ड का है तो थोड़ा नर्वसनेस ना भी हो तो चला आता है, तो जितना फील करो उतना नर्वस होता है। सो इधर देख सकते हो, दिस इज द पोकारी जूस, आयन है इस पर, आयन डिफिशेंसी हो अगर और भी आप खा सकते हो, इट्स ए वेरी गुड ड्रिंक, जो मैं इस कुछ दिनों से मेरा आदत हो गया खाने के लिए, ज़्यादा ही पी रहा हूँ ये, मतलब खाने के लिए नहीं पीने के लिए, आदत से हो गया। कॉस्ट ये है ब्रेड सेक्शन, ये वाला अच्छा टेस्ट करता है, मैंने कल सुबह ट्राई किया था। एंड और एक एंड बताओ कैसा लगा मेरा टिप्स, एक दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करके पास होना, पास हुआ तो हूँ नहीं पर होपफुली हो जाऊँगा कल, भेजता हूँ ब्लॉग आए तो समझ ही जाओगे, हाँ थोड़ा फीलिंग है पास हो जाऊँगा पहले सब्जेक्ट में। हाँ हाँ, ये मदद तो नहीं है मेरा ऐसे ब्लॉग बनाने का, रिश्ते पे जब खुल के बना रहा हूँ इतना वियर्ड फील, एम्बेरसमेंट फील हो रहा है कि लोग देख रहे हैं क्या कर रही है बंदा अपने कैमरा लेकर। तो फाइनली मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जिधर ज़्यादा लोग बुक नहीं है, पूरा खाली है सामने आगे पीछे, तो अब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा एम्बेरसमेंट तो होता है, फील होता है कि लोग देख रहे हैं ऐसे कैसे ऐसे कैमरा पकड़ के चल रहा हूँ, सो ग्रेजुएटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को तो ब्लॉग करना है कि अभी नहीं, अभी तो 250 सब्सक्राइबर्स है कुछ शायद, लेकिन जब फ्यूचर में मेरा मिलियन व्यूज होगा, अरे है क्या शाम। मैं जो बता रहा था इंग्लिश पे लिख के मैंने वो करता हूँ, ये बंगला बुक है, लो बुक है, ये देखो बंगला में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पे ट्रांसलेट करके, मतलब वीडियोस देख के शॉर्ट फॉर्म में मैं कर लेता हूँ। अगर 30 तो जिसको मेरा बुक मिल जाएगा मज़ा ही मज़ा, दूसरे चैप्टर्स मोस्टली हर चैप्टर्स का यही कर रहा हूँ, एक तो वो शॉर्ट फॉर्म में मैं इंग्लिश पे लिख के रखता हूँ, फिर कल जब बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट होने एक डेढ़ घंटा पहले बस रिवाइज कर लूँगा आके, बस देख लूँगा इजीली देख लूँगा, फिर खुद से ही लिख सकता हूँ। कितना क्रिएटिव माइंड है मेरा भाई, कितना क्रिएटिव माइंड है, बस पास हो जाओ
फिर क्रिएटिव माइंड है मेरा, फिर बोल सकते हो मेरा कितना क्रिएटिव माइंड है। बस पास हो जाऊँ। आपको अगर एक दिन पहले बिफोर वन डे ऑफ एग्ज़ाम अगर पढ़ के आपको पास होना है, मेरी ट्रिक अप्लाई करो। बंगला में अगर पास होना है, मेरी ट्रिक अप्लाई करो, पास हो जाओगे तुम। टिप्स अच्छे लगे लाइक शेयर एंड फॉलो, सब्सक्राइब करके जाओ। ख़त्म। टाटा बाय बाय।